नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश द्वारा अहमदाबाद और गांधीनगर के स्मार्ट सिटी मॉडल का अनुसरण करने की संभावना। श्री ए के गुप्ता अतिरिक्त निर्देशक क्षेत्रीय नगर और पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ और अर्बन प्लानर सुश्री प्रियंका कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिमंडल ने अहमदाबाद और गांधीनगर स्मार्ट सिटी ICC निमंत्रण कच्छ सहित गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का 21 से 23 फरवरी 2020 को दौरा किया। स्मार्ट सिटी के सर्वोत्तम प्रथाएं एवं विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके भविष्य में उत्तर प्रदेश यूपी के स्मार्ट शहरों में अपनाने की संभावना को प्रतिनिधि मंडल ने तलाशा। 3 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य इन शहरों में ICT की सर्वोत्तम प्रथाओं का निरीक्षण करना और उसका विश्लेषण करना है और इसे यूपी के स्मार्ट शहरों में कैसे लागू किया जा सकता है उसकी संभावना देखना है। उत्तर प्रदेश राष्ट्र स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 10 स्मार्ट शहरों और राज्य के नेतृत्व वाले फंड के तहत 7 स्मार्ट शहरों का विकास कर रहा है। पेश है अहमदाबाद से श्री लिम्बाचिया की एक खास रिपोर्ट। जहां जहां मान लीजिए हमको अच्छे एलिमेंट्स, जैसे हम आज यहां पर आए हैं देखने के लिए, इसी तरह से हम लोगों ने, हमारे यहाँ के और ऑफिसर्स ने मध्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो मॉडल ये है कि एक उन्होंने कंट्रोल सेंटर मेन बनाया है, बाकी सिटी में ऑपरेशन सेंटर बनाए हैं। उनके अभी 7 शहर हैं, तो वही मतलब तो मॉडल क्या ही है। अपने ही कंट्री में बहुत मॉडल हो गए हैं, जो तमिलनाडु का भी मॉडल है, अब गुजरात के भी मॉडल, आपने मैंने बताया गुजरात में भी 2 तरह के, जैसे आपका अहमदाबाद का और गांधीनगर का है, तो उसी मॉडल पर हम भी अपने सिटीज में कौन सा मॉडल किस जगह बेस्ट फिट रहेगा, और यहाँ पर भी यदि मान लो कोई चूक रह गई है तो जैसे हमने यहाँ डिस्कशन किया है तो वो उसको भी फर्दर इम्प्रूव करके हम भी अब कोशिश करेंगे। अब मतलब जहाँ सिटीज हैं, जहाँ और रह गए हैं, जहाँ हो चुका है वहाँ तो हो ही चुका है काम, जो है जहाँ रह गया है उसको भी इम्प्लीमेंट करने का, सुधार करते हुए प्रयास। रात में हमने एक अहमदाबाद देखा है, सूरत देखा है, बड़ौदा देखा है, ये 3 सिटीज तो हमने देखे हैं जो है। और अहमदाबाद में नेचुरली जो आपका आपने बताया भी था, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का अच्छा वर्क हुआ है। बड़ौदा में भी, सॉरी सूरत में भी आपका जो वाटर बॉडीज हैं, बड़ा अच्छा डेवलप की हैं वाटर बॉडीज वहां पर सूरत के अंदर, और नॉट ओनली PPP बेस्ड पे डेवलप हुई है। जनरली हम लोगों के यूपी में ये सारा EPC बेस्ड है, मतलब हम लोग ही पूरा फंडिंग करते हैं, लेकिन जैसे सूरत में आपने वाटर बॉडी डेवलप की है वो PPP बेस पर की है जो है, तो उस तरह की चीजें भी इम्प्लीमेंटेशन, देखिए हर जगह हर तो अभी जैसे बाल हमारे यहाँ कि मैंने आपको बताया 4-5 शहरों में तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, 5-6 शहरों में टेंडर फेज में है, तो जो कुछ हमारे मिस्टेक हैं तो अभी हम इम्प्रूव कर लेंगे उसको जो है। बाकी जो हम 7 सिटीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से बने हैं, तो उसी अभी डॉक्यूमेंट में ही उसी तरह का हम चेंज कर लेंगे, जो मैंने कहा कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के बाद सेंट्रल सर्वर पर कम से कम डाटा लाने का, और वो डेटा हमारा क्लाउड सिस्टम से भी आ सकता है, तो बहुत बड़ा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है उसमें।